भिलवाड़ा नगर परिषद और जिला कलेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने शहर में नगर परिषद की अव्यवस्थाओं के कारण सड़कों पर घूमती गायों और काइन हाउस में घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें काइन हाउस में अच्छी व्यवस्था और सड़कों पर घूमती गायों को काइन हाउस में रखने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गायों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल तेली भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मजदूर परिषद शाखा के जिला अध्यक्ष पूरणमल तेली ने कहा कि नगर परिषद को गायों की देखभाल के लिए लाखों रुपए का बजट मिलता है, मगर उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। काइन हाउस में वहां के कर्मचारी मनमर्जी करते हुए गायों को समय पर चारा और पानी नहीं देते, जिसके कारण गायों की काइन हाउस में दयनीय स्थिति है और वह तिल तिल कर मर रही है। इसके साथ ही शहर के सभी सड़कों पर गायों को घूमते देखा जा सकता है। इन गायों को नगर परिषद काइन हाउस तक नहीं पहुंचा रही, जिसके कारण कई बार सड़क पर हादसे भी हो जाते हैं। हमारी मांग है कि गायों को काइन हाउस भेजा जाए और वहां की व्यवस्थाओं को भी सुधारा जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय भजन दल, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, नगर परिषद से ये मांग कर रही है कि जितनी भी गायें काइन हाउस के अंदर मर रही है उनके लिए मेडिकल व्यवस्था वहाँ पे की जाए, और जो चारा घोटाला हो रहा है कि पर्ची तो बनती है 25 टन की और गाड़ी के अंदर आता है 5 क्विंटल, जो वो गड़बड़ जाला बंद हो और वहाँ पे ईमानदार कर्मचारी को लगाया जाए और हमारी संस्था के कुछ कर्मचारियों को वहाँ पे देख रेख की अनुमति दी जाए, क्योंकि वहाँ पे गायें बीमारी की वजह से भी मर रही है और भूख की वजह से भी मर रही है, क्योंकि वहाँ पे टाइम टाइम व्यवस्था नहीं दी जा रही है और सड़कों के ऊपर गायें आवारा घूम रही है, जिनके लिए पैसे तो नगर परिषद के पास जा रहे हैं पर वो गायों के लिए बोलते हैं कि भाई सभी गायों को तो हम नहीं उठा सकते हैं, कुछ समाज को भी आगे आना पड़ेगा और शहर वालों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमने तो वोट ले लिया, अब हमारी सीट मिल गई, हमें कोई लेना देना नहीं है, गायें मरे चाहे कुछ भी हो ठीक है, भूख से मरती है तो हम देखेंगे, हमारे तो पास फाइलें पड़ी हुई है। आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग रखी है कि गायों की वहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्था चालू की जाए, अगर नहीं होती है तो 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। आज हमने धरना दिया वहाँ पे तो सभापति महोदय ने, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दो और इसके बाद में आप अगर हम काम नहीं करते हैं तो फिर बाद में आप आंदोलन कर लेना पड़ेगा।